हमारे मित्र मिल गए हैं हमको, सामने बैठे हुए हैं बढ़िया खूबसूरत से अंग्रेज। तो मैंने कहा अंजलि को, जब चार पास तो उन्हें कर ही रखा है, तो अंजलि आपको बताइए कहाँ जा रहे हैं हम। ये आ गई है बुलेट ट्रेन। तो अंजलि पहली बार मेट्रो में बैठी है, कैसा था? ट्रेन में बैठी हुई, ट्रेन में भी नहीं बैठी। यहाँ हो सकता है चक्रव्यूह, ये पूरी रोटी खा जाए ना, अब टाइम भी नहीं मिलना, अब दर्द हो रही ना, सबसे पहले हो गई है आज के ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो सुबह के 7 बज रहे हैं और आज है 25 तारीख। तो हम लोग कहीं जा रहे हैं, गैस करो हम कहाँ जा रहे हैं। अभी हम बताएंगे नहीं, बताइए कहाँ जा रहे होंगे, गैस करो। हम लोग बहुत सुबह सुबह निकल रखे हैं इसलिए अभी हमारे चेहरे बिल्कुल सूजे हुए हैं। कल रात बहुत ज़्यादा बारिश भी आई और अभी 10-2 मिनट पहले ही उजाला हो रहा है और टाइम भी बहुत जल्दी नहीं हुआ। हम तो बस ऐसे ही सोच रहे थे, बच्चों की स्कूल बस भी आ गई है, लगभग 7:30 होने वाले हैं शायद। लगभग 2 घंटे हो गए हैं हमें देहरादून से निकले हुए और यहाँ पे मुजफ्फरनगर शायद वही जगह होगी। यहाँ पे लगभग आधे घंटे का ब्रेक है तो शायद बहुत जल्दी हम लोग पहुँचने वाले हैं। ये तो हमने बताया नहीं कि हम जा कहाँ रहे हैं, जहाँ से अंजलि को भगाया था। अंजलि को दिल्ली से भगाया था लेकिन वो फिर से जा रही है क्योंकि अब वो मेरे दम खम के साथ जा रही है कि अब मेरे साथ जाएगी तो उसको नहीं भगाएंगे। तो सामने बैठे हुए हैं बढ़िया खूबसूरत से अंग्रेज। तो मैंने कहा अंजलि को, जब चार पास तो उन्हें कर ही रखा है तो जहाँ बढ़िया अंग्रेजी आती है वैसे भी अंजलि को जा ABCD सिखा के आ जाओ उनको। मैं बोल रही हूँ अंजलि को भी चली जाए उनसे बात करने के लिए, वैसे भी चार पास तो इसने कर ही रखा है ना, पूरी बढ़िया अंग्रेजी आती है। वो लड़की बहुत लंबी है ना अंग्रेजी। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, मतलब जैसे जैसे दिल्ली, जबकि धूप भी नहीं है और मौसम भी बिल्कुल ख़राब है लेकिन उसके बावजूद भी बस आगे चली गई थी और यहाँ पे एक लड़का छोड़ गया, तो बस काफ़ी पीछे आई है और एक लड़का था जिसका बैग रखा हुआ है पीछे, तो वो छूट गया। तो सारी बस हम उसी रेस्टोरेंट में वापस आ गए जहाँ पर वो छूटा था। सब इसकी वजह से हो रहा है, सब इसकी वजह से हो रहा है, ये भी जानती थी उसको, ये भी मतलब सारा सब लोग कह रहे थे वो पीछे बैठा हुआ था उस वाली सीट पर, वो तो अच्छा किसी ने देख लिया। अभी दिन के 2 बज रहे हैं और हम लोग पहुंच गए हैं दिल्ली कश्मीरी गेट में और बहुत जल्दी पहुंच गए टाइम से, लगभग 4 से 5 घंटे का हम लोगों को समय लगा। तो इसके बाद हमें, वैसे तो हम लोग सोच रहे थे कि हम मेट्रो से जाएं लेकिन हमें बीच में एक जगह जाना है, तो यानी मंडी हाउस जाना है हम लोगों को, तो वहाँ तक हम लोग ऑटो में जाएंगे। और मैडम साहिबा बैठ गई, अभी तो मैंने बार्गेनिंग भी नहीं की। भैया कितने रुपये लेंगे? 10 रुपये कम दे देना। चार खिसक, मैंने बार्गेनिंग भी नहीं की थी और अंजलि पहले ही बैठ गई। क्या बनेगी? चलो ये सब छोड़ो, ये बताओ दिल्ली में कैसा लग रहा है? बढ़िया। पहली बार आ रही दिल्ली? नहीं, पहले भी तो आ रखी है, जब से बड़े हुए तब से पहली बार ही आ रहे हैं, नहीं तो बचपन में आए थे हम लोग। और ये यहाँ पे लाल किला है, लाल किले के बाहर से बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है, भारत पर्व करके वहाँ पे एक पोस्टर लगाया गया है, शायद कल 26 जनवरी के लिए कुछ प्रोग्राम हो। हेलो जी, कैसे हो? यहाँ पे हमारे मित्र मिल गए हैं हमको, बहुत लंबे समय से हमारे इंतजार कर रहे थे। ज्यादा कष्ट तो नहीं हुआ? नहीं, कष्ट के लिए खेद है। कोई बात नहीं, एक बार ही आ रहे हो तो वही इतना तो चलेगा, फिर भी कष्ट के लिए खेद है। अंजलि सामान निकाल दो। हम लोग थोड़ा देर हिमांशु से मिले क्योंकि उससे हमें कुछ काम था, उसके बाद अभी जल्दीबाजी हो रही है तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं वापस। ये देखिए लड़कों की कितनी लंबी लाइन लगी है, लड़कों की इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, लड़कियां साइड से जल्दी जल्दी निकल रही है और लड़कों की वहाँ लाइन ही लगी हुई है। तो यहाँ पे हमें मिल गई है मेट्रो में जाने के लिए जादू की छड़ी। एक जादू की छड़ी तुम पकड़ो। ये बैग मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है, ये रुखसट मेरा कहीं नहीं छूटता, परेशान कर दे। चल जादू की छड़ी का उपयोग करे, कने कन, अरे ये साइड में लगो, ये मुँह लगो, देख ऐसे लगाओ यानी खुली, आ जा लगो लगो, चल हाँ लगो लगो, वो मम्मू टच कर,
रुक जा। अरे ओ जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी। ये हमारे यहाँ टेंट, जब चक्रव्यूह होता है तो टेंट लगा के बनाते हैं, यहाँ ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ हो सकता है चक्रव्यूह। हम लोगों को साकेत की तरफ जाना है, उसके लिए येलो लाइन में जाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है येलो लाइन, इसके लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा। और इस भीड़ में, इस मेले में कहीं अंजलि खो ना जाए। खो तो नहीं जाएगी। मैं बार बार, मैं कहीं भी जा रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो बार बार पीछे देख रही अंजलि में कहीं अंजलि खो ना जाए। भीड़ देखो भाई, कितनी ज्यादा भीड़ है। हमने जाना है हुडा सिटी सेंटर की ओर, यहाँ पे साकेत के लिए आएगी, तो हमें साकेत जाना है। हम लोग हैं अभी राजीव चौक में, और यहाँ से 17 स्टेशन क्रॉस करने के बाद हम पहुँचेंगे साकेत। और हम भी कहती थी कि ऑटो से जाते हैं, मैंने कहा इतनी दूर भी है, फिर मेट्रो का एक्सपीरियंस भी लेना चाहिए, तो इसलिए हम लोग मेट्रो से जा रहे हैं। और अभी हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, मेट्रो आने वाली है, और लगभग 30 मिनट का समय हम लोग मेट्रो में गुजार रहे हैं, यानी 30 मिनट बाद हम लोग पहुँचेंगे। 30 मिनट का समय गुजार लेंगे आप मेट्रो में। ये यहाँ पे आ गई है बुलेट ट्रेन, अंजलि ये आ गई है बुलेट ट्रेन। रुकिए रुकिए, अरे भैया रोक दो, खोलो 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 खोलो, पहले बाहर उतरने दो इनको। आ जाओ अंजलि, बाहर मत रहना, बाहर मत रहना। अंजलि पूछ रही है इसका क्या करना है, फेंक दे इसको, फेंक ही ना, लास्ट तक की समो धोरी के रख, बेन दे पाली। दरवाजा बंद करो भाई, दरवाजा बंद करो। ये गाड़ी मैं चला रही हूँ, देखिए मैं आपको एक जादू दिखा रही हूँ, देखिए। तो अब हम लोग साकेत में पहुँच गए हैं, अब हम लोग यहाँ से बाहर जाएंगे, तो अब ऑटो से जाएंगे, मदनगिरी जाना है हम लोगों को, पहुँच जाएंगे। तो अंजलि पहली बार मेट्रो में बैठी है, कैसा था? ट्रेन में बैठी हुई, ट्रेन में भी नहीं बैठी। मेट्रो में उल्टी होती है, ट्रेन बहुत अच्छी होती है, मेट्रो बेकार होती है। मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी भरी हुई है ना, कहीं भी जाती हूँ तो वहाँ के अंदर की दुर्घटना होने की जो अपार संभावनाएं होती है वो मेरे दिमाग में आ जाती है। मैं वहाँ अंदर थी मेट्रो में, मैं सोच रही यार आजकल भूकंप भी आ रहा है, कहीं भूकंप ना आ जाए, हम यहीं ना दब जाएं। तो सुबह से हम लोगों ने ढंग से खाना नहीं खाया था, तो अब हम लोग मोमोज खाने वाले हैं, दिल्ली के मोमोज। अंजलि कहती थी वहाँ अच्छा फास्ट फूड मिलता होगा, बढ़िया, अभी तो खाया भी नहीं है। अब तो अच्छे रहे हैं, बहुत ही प्यारे है ना। और ये आपको कल ही पता चलेगा कि हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं दिल्ली में, मतलब हम 27 तारीख को परसों घर जाने वाले हैं, और आप वो आपको कल के ब्लॉग में पता चलेगा। आज 26 जनवरी है ना, मतलब आप लोगों के पास ये ब्लॉग 26 जनवरी को आएगा, तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की यानी 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके पास 26 जनवरी को आएगा तो हम 27 को वापस आ जाएंगे, आपको कल के ब्लॉग में पता चलेगा कि हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। भैया मदनगिरी, मदनगिरी में रुक जाओ। और हम लोगों ने आज के दिन में बहुत ही ऑटो चेंज कर लिए हैं, और बहुत सुबह से ही गाड़ी में बैठे हैं, तो अब ये लास्ट ऑटो होने वाला है, और फाइनली